डेविस कप के आयोजन के लिए पूरी तरीके से तैयार है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी डेविस कप में आपको देखने को मिलेंगे। हमारे साथ इंडियन टेनिस टीम के कैप्टन रोहित राजपाल जी हैं। सर, डेविस कप का आयोजन लखनऊ में होने जा रहा है, कितना ज्यादा उत्साह है इसको लेकर और किस तरीके की टीम है फिलहाल? टीम तो काफ़ी अच्छी है, जैसे कि अभी आपने देखा कि रोहन बोपन्ना जो हमारे डबल्स के प्लेयर हैं और सीनियर मोस्ट प्लेयर हैं इस टाइम प्लेइंग मेंबर, वो अभी यूएस ओपन के फाइनल्स में थे डबल्स में और अभी रस्ते में हैं, तो कल वो भी पहुंच जाएंगे। सुमित नागल जो हमारा नंबर वन सिंगल्स प्लेयर है इस टाइम, वो भी एक फाइनल्स खेल रहे हैं यूरोप के टूर्नामेंट में, तो वो भी कल पहुँचने वाले हैं। तो बाकी मेंबर सारे पहुँच चुके हैं और हम लोग की प्रैक्टिस जारी है। सर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आपकी मुलाकात हुई है, वो भी स्पोर्ट्स लवर हैं, क्या बातचीत हुई आपसे उनसे, क्या मुलाकात हुई? जी, उन्होंने मेरे से पूरा पहले तो जानकारी ली गेम की और एक एक चीज़ की जानकारी ली, फिर कोई कमी पेशी कोई कुछ तो नहीं है उसके बारे में जाना, और कुछ है तो बोलिए, सब चीज़ बंदोबस्त की जाएगी। तो इतने पॉजिटिव थे कि एकदम मज़ा आ गया मिल के सबको। और उसके बाद उन्होंने मेरे से, मैंने एक रैकेट उनको गिफ्ट किया, तो बहुत शौक से उन्होंने बोला बॉल तो दीजिए, तो बॉल भी लिया उन्होंने अपने हाथ में और रैकेट लेके, और जिस तरीके की मदद चाहिए वो करने को तैयार हैं और खुद ड्रॉ सेरेमनी वो खुद करेंगे 15 तारीख को, जैसे कि आप लोगों को पता है, और फिर बोला कि मैं मैच देखने के लिए भी पूरी कोशिश करूंगा आने के लिए। सर, इसके पहले भी डेविस कप का आयोजन यहाँ पे होता रहा है, इस बार क्या खास है, क्या अलग आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सीएम भी इंटरेस्ट ले रहे हैं इस पूरे आयोजन में, क्या ये भव्य और दिव्य होने वाला है? देखिए, पिछला डेविस कप यहाँ पे जो मैं सुनता हूँ 23 साल पहले हुआ था, और उस टाइम शायद विजय अमृतराज और ये सब जो मेरे सीनियर्स थे वो खेलते थे, और इस बार ऑफकोर्स न्यू जनरेशन है, नए प्लेयर्स हैं, और आपके पास ग्रैंड स्लैम फाइनलिस्ट आ रहे हैं, और उस तरफ से भी मोरक्कन में डेविस कप में कहा जाता है कि रैंकिंग जितना ज़्यादा मायने नहीं रखती हैं, तो एक अच्छा प्रदर्शन होना चाहिए। हम लोगों के लिए मैच जीतना बहुत ज़रूरी है इस टाइम, क्योंकि प्ले ऑफ टाई है, तो हम लोग बहुत सीरियसली इसको लेके चल रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं।